राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में शासन सचिवालय स्थित सीएमओ में थोड़ी देर में गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए आईपीएस अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, सभी आईजी, पुलिस कमिश्नर्स और पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारी भाग ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राज नारायण शर्मा जी से। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता राज नारायण शर्मा का। राज नारायण जी, अभी से कुछ देर में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। कानून व्यवस्था पे खास करके इसमें चर्चा होने वाली है। कौन कौन से पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे, आईजी, डीआईजी और कितने अधिकारी हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं? और अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन भी इसमें पेश किया जाएगा पूरे राजस्थान के कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए फातिमा, अभी अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है सीएमओ पहुंचे हैं और कुछ ही समय में बात बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें बात करें तो मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी जो है उमेश मिश्र, इसके अलावा जो है गृह सचिव आनंद कुमार सहित कई आला अधिकारी पहुंचे हैं। कमिश्नर जयपुर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी पहुंचे हैं, कई आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं। कुछ समय बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अभी अभी पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार आई है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, ऐसा आरोप था बीजेपी का कांग्रेस के शासन में, तो उसको लेके 100 दिवसीय कार्य योजना इनको भी दी जाएगी कि अपराध कैसे कम हो और किस तरह से अपराध पे अंकुश किया जा सके। इस तरह से पूरी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है बैठक में मौजूद होने वाले हैं। कुछ ही समय बाद ये बैठक होगी तो कई मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे। जो अधिकारी हैं अपना अपना प्रेजेंटेशन लेके आए हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था जो है इस समय राजस्थान में है, क्या क्या अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं, इस सारी चीजों के लिए विश्लेषण किया जाएगा। इसमें विशेष तौर से जो है जितने भी आला अधिकारी डीजी आईजी रेंज के अधिकारी हैं उनको सबको बुलाया गया है। कुछ समय बाद ये बैठक शुरू होगी फातिमा। राज नारायण, इसमें कौन से ऐसे मुख्य अपराध शामिल होने वाले हैं जिसपे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे? अगर हम बात करें महिलाओं के साथ अत्याचार की, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी राजस्थान में अगर हम अपराध की बात करें। और दूसरा पेपर लीक, जिसके लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसआईटी की टीम गठित कर चुके हैं। बिल्कुल, जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी उसके कुछ समय बाद ही सबसे पहले मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया था अपराध पेपर लीक मामले को लेकर। इसके बाद जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, राजस्थान नंबर टॉप 3 में आता है पूरे भारत की अगर बात करें तो, उसको लेकर भजनलाल शर्मा बिल्कुल सख्त है और उन्होंने हिदायत जो है दे दी अधिकारियों को। उसको लेकर आज बहुत बड़ी बैठक जो है पुलिस अधिकारी की होने वाली है। इससे पहले जो है भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर पूरे आला अधिकारी प्रशासनिक अमले की बैठक ली थी, उसमें भी 100 दिवसीय कार्य योजना का अमलीजामा पहना दिया गया था। उसके बाद आज जो है बहुत बड़ी बैठक हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बैठक ले रहे हैं जिसमें कई निर्णय होने हैं, कई अधिकारी को सख्त आदेश दिए जाएंगे। अब वो कार्य योजना जो उनकी है वो अब कुछ ही समय बाद जो है शुरू होने वाली बैठक में रख दिए जाएंगे। जो एजेंडा बीजेपी सरकार बनी है, जो एजेंडे लेके बीजेपी सरकार बनी है, जिस तरह से कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस सरकार को घेरा था, उन एजेंडों को लेकर बीजेपी बैठी है, वो भी उनको भी कार्य योजना दी जाएगी कि इतने दिन में आप इस कार्य को, किस अपराध को कैसे रोका जा सके, इसका कैसा कानून बने, उसकी पूरी विवरण जो है इस बैठक में होगा फातिमा।
कुल राजनारायण, अगर हम कुल मिला के बात करें तो अब हम ऐसा देख पाएंगे कि जो पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उसमें लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ रहे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद क्या आम जनता ये उम्मीद लगा सकती है कि अब महिलाओं पे अत्याचार रुकेंगे? क्या एक्शन प्लान तैयार हो सकता है इसमें? बिल्कुल, एक्शन प्लान के लिए ही भजनलाल शर्मा ने जो है बैठक शुरू कर दी है। अभी भी आपको एक और जानकारी दे दूं, बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक के अंदर भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अब कार्य योजना के बारे में जो है विस्तार से डिस्कस होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने जो महिलाओं का मुद्दा उठाया था, बलात्कार का मुद्दा उठाया था, इसके अलावा SIT मतलब जो पेपर लीक के मामले उठाए थे, इसी को देखते हुए जनता ने बीजेपी सरकार का समर्थन देकर बीजेपी सरकार बनाई, बीजेपी के विधायकों को जीत के भेजा, इसी को लेकर कानून व्यवस्था सख्त से सख्त की जाए, लोगों को राहत मिले, अपराध से मुक्ति मिले, इसको लेकर जो भजनलाल शर्मा का एक नया एजेंडा है उसी के लेकर आज ये बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही समय बाद जो है इसका निर्णय क्या होता है, बैठक में क्या क्या एजेंडा दिया गया था, पूरा विस्तार से जो है रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। फातिमा नारायण, कितनी देर ये बैठक चलने वाली है और सीएम भजनलाल शर्मा के साथ कौन कौन से नेता क्या इसमें शामिल हुए हैं? कोई और नेता है इसमें बीजेपी के अगर हम बात करें तो? मुख्यमंत्री है, इसके अलावा सारे आला अधिकारी हैं, पुलिस के, गृह विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, DGP है, पुलिस कमिश्नर जयपुर है, आनंद कुमार जो गृह सचिव है, ये सारे अधिकारी यहाँ मौजूद है, DG, DIG और IG लेवल के अधिकारी यहाँ मौजूद है। और इसी बैठक के बाद में प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसमें भी जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री जो पूरे राज्य के, राजस्थान सहित सभी भारत के राज्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, उसमें सारा आला अधिकारी जो है वो भी जुड़ेंगे। जी राजनारायण, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और बात करने वाले हैं भजनलाल शर्मा से, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से क्या प्रधानमंत्री मोदी की राह पे भजनलाल शर्मा चलेंगे? उनके जो बताए हुए कदम है राजस्थान में अपराध को रोकने के लिए, उसको भी इसमें लागू किया जाएगा? पहले तो भजनलाल शर्मा पूरे राजस्थान के जो अधिकारी हैं उनकी, पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। इसके बाद करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री जो है पूरे भारत के जो जितने भी DGP हैं, पुलिस अधिकारी, उनसे जुड़ेंगे, उसमें मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, तो ऐसे में भजनलाल शर्मा भी प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और वहाँ जो पूरे DGP की, जो पूरे राजस्थान, पूरे भारत की जो DGP पुलिस महानिदेशकों की बैठक होगी, उसमें सभी लगभग मुख्यमंत्री, उनके DGP, ताकि कानून व्यवस्था की जानकारी सीधी प्रधानमंत्री को दी जा सके कि कौन से स्टेट में क्या चीज की जो है वो कानून नियमित किस तरह से काम कर रहा है, क्या अपराध वहां है, इसको लेके प्रधानमंत्री जी की बैठक होगी 12:30 बजे। उसकी तैयारी से पहले जो है भजनलाल शर्मा अपनी बैठक करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीधा लाइव जुड़ेंगे। फातिमा, बहुत शुक्रिया राजनारायण तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा CMO पहुंच चुके हैं जहां पे पुलिस अधिकारियों की वो बैठक लेंगे और राजस्थान की जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं, DGP उमेश मिश्रा, मुख्य सचिव भी इसमें शामिल होंगी। आपको बता दें कि लगातार जो महिलाओं पर अत्याचार होता चला आ रहा है, अगर हम बात करें पेपर लीक की, तो इसमें लगातार अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पे बात करेंगे और आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरीके से राजस्थान में कानून व्यवस्था पर लगाम लगते हैं, कानून व्यवस्था किस तरीके से और सुधरती है, और अगर हम महिला पे अत्याचार की बात करें तो उस पे कितना महिलाओं को और आम जनता को राहत मिलता है, जो कि कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार नाकाम रही, तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी सरकार कितना इसमें परफेक्ट साबित होती है।